एक दिन रामू अपनी पत्नी के साथ जंगल के रास्ते शहर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक विशाल कबूतर दिखाई देता है। कबूतर का आकार एक घर के जितना बड़ा था। कबूतर के पैर में चोट लगी थी, जिस वजह से उसके पैर से खून निकल रहा था। अरे कोई मेरी मदद करो, मेरे पैर में चोट लगी है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कबूतर की हालत देख रामू और उसकी पत्नी को उस पर तरस आ जाता है। फिर रामू की पत्नी अपने दुपट्टे को कबूतर के जख्म पर बांध देती है। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम दोनों मुझे पानी पिला सकते हो? फिर रामू और उसकी पत्नी दोनों मिलकर कबूतर को किसी तरह अपनी बैलगाड़ी पर बैठा लेते हैं। उसके बाद रामू बैलगाड़ी एक नदी के किनारे ले जाता है। कबूतर फौरन नदी का पानी पीने लगता है। थोड़ी देर में उसकी प्यास पूरी तरह शांत हो जाती है। फिर कबूतर के सारे जख्म पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। अरे ये कैसा चमत्कार है, इस कबूतर के सारे जख्म अपने आप ठीक हो गए। पानी पीने से मुझे शक्ति मिलती है, तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं तुम दोनों को एक उपहार देना चाहता हूँ। उसके बाद कबूतर रामू और उसकी पत्नी को अपनी पीठ पर बैठा लेता है। फिर वह हवा में उड़ता हुआ उन्हें एक सुनहरे खेत में ले जाता है। उस खेत की मिट्टी सोने की तरह चमक रही थी। इस सुनहरे खेत की मिट्टी जादुई है, इस मिट्टी से तुम जो चीज बनाओगे वह चीज असलियत में बदल जाएगी। यह सुनकर रामू और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वह दोनों बड़े बोरे में ढेर सारी मिट्टी इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद कबूतर उन दोनों को हवा में उड़ाकर वापस उनकी बैलगाड़ी के पास छोड़ देता है। अच्छा अब मेरे जाने का समय हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद कबूतर हवा में उड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर रामू अपनी पत्नी के साथ सुनहरी मिट्टी अपने घर के अंदर ले जाता है। तभी रामू के बच्चे उसे खिलौना मांगने लगते हैं। रामू और उसकी पत्नी थोड़ी सी मिट्टी लेकर उससे एक हाथी तैयार कर देते हैं और अगले ही पल वह हाथी एक विशाल असली हाथी के रूप में बदल जाता है। अरे वाह पिताजी, ये मिट्टी का हाथी तो असली हाथी बन गया, चलो बहन इस पर बैठकर सैर करते हैं। फिर रामू के दोनों बच्चे हाथी पर बैठकर गांव घूमने लगते हैं। ये सुनहरी मिट्टी तो बहुत ही काम की है जी, इससे हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हाँ भाग्यवान, तुमने बिल्कुल सही कहा, अब इस मिट्टी से हम अपनी गरीबी दूर कर लेंगे। लेकिन उसी रात हरिया नाम का एक लालची आदमी अपने कुछ गुंडों के साथ रामू के घर आ जाता है। रामू, मुझे पता है तेरे पास सुनहरी जादुई मिट्टी है, चल वह सारी मिट्टी मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे और तेरे परिवार को जान से मार दूंगा। हे भगवान, इस दुष्ट आदमी को जादुई मिट्टी के बारे में कैसे पता चल गया? अगर मैंने इसे जादुई मिट्टी दे दी तो यह इसका गलत इस्तेमाल करेगा, अब मैं क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रामू के दोनों बच्चे बहुत समझदार थे, वह दोनों फौरन थोड़ी सी मिट्टी लेकर उससे बजरंग बली की मूर्ति बना देते हैं और अगले ही पल वह मूर्ति जीवित हो जाती है। हे बजरंग बली, आप मेरे माता पिता को इन जालिमों से बचाइए। उसके बाद बजरंग बली अपनी गदा से हरिया और उसके गुंडों की पिटाई करने लगते हैं। अरे मर गए यार रे, अचानक ये बजरंग बली कहाँ से आ गए, अरे इन्होंने तो मेरी टांग तोड़ दी, अरे कोई बचाओ मुझे। अरे भागो यहाँ से, वरना बजरंग बली हमारी जान ले लेंगे। हाँ भाई तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, अरे भागो यहाँ से, इसी में हमारी भलाई है। उसके बाद हरिया अपने गुंडों के साथ वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। यह देख रामू बहुत खुश होता है। हमारी जादुई मिट्टी के बारे में लोगों को पता चल गया है, अगर हम यहाँ रहे तो लालची लोग हमें बहुत परेशान करेंगे। लेकिन हम कहाँ जाएंगे, इस पृथ्वी पर तो हर जगह लालची और धोखेबाज लोग रहते हैं। मेरे पास एक बढ़िया उपाय है, हमें चांद पर जाकर रहना चाहिए, वहाँ हमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। तू ठीक कहता है बेटा, लेकिन हम चांद पर कैसे जाएंगे? मैं तुम सभी को चांद पर ले जाऊंगा, चिंता मत करो। उसके बाद बजरंग बली रामू के आंगन में खड़े हो जाते हैं और अगले ही पल वह एक घर के रूप में बदल जाते हैं। बजरंग बली घर को देख रामू और उसका परिवार बहुत खुश होता है। उसके बाद वह सभी लोग
बजरंगबली घर का दरवाजा खोल अंदर चले जाते हैं। साथ ही वह अपने हाथी को भी अंदर ले जाते हैं। फिर वह बजरंगबली घर हवा में उड़ता हुआ चांद पर पहुंच जाता है। अरे वाह पिताजी, ये चांद तो बहुत ही सुंदर है, यहाँ हम मजे से रह सकते हैं। लेकिन बेटा, हमें खेती करने के लिए वापस पृथ्वी पर तो जाना ही पड़ेगा, और साथ ही तेरा और तेरी बहन का स्कूल भी तो है। चिंता मत करो रामू, इसका उपाय भी है मेरे पास। फिर बजरंगबली घर के अंदर से दो सुंदर पंख बाहर निकलकर हाथी की पीठ में जुड़ जाते हैं। अब ये उड़ने वाला एक जादुई हाथी बन गया है, इस पर सवार होकर तुम पृथ्वी पर आना जाना कर सकते हो। फिर अगले दिन रामू अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ हाथी पर सवार हो जाता है। उसके बाद वहां से हाथी उड़ता हुआ रामू को उसके खेत पर ले जाता है। सुनो बेटा, तुम अपनी बहन के साथ स्कूल जाओ, मैं और तुम्हारी माँ यहीं खेत में काम करेंगे, शाम को वापस आ जाना। फिर रामू के दोनों बच्चे हाथी पर सवार होकर स्कूल चले जाते हैं। शाम होते ही रामू अपने परिवार के साथ वापस चांद पर लौट जाता है। मुझे इतनी अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिलेगा, मैंने तो ये कभी सोचा नहीं था। बजरंगबली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भाग्यवान, तुम खाना तैयार करो, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर रामू की पत्नी वही चांद पर एक चूल्हा जलाकर सभी के लिए खाना बनाती है। पेट भर खाना खाने के बाद वे सभी बजरंगबली घर के अंदर जाकर आराम से सोने लगते हैं। अगले दिन जब वह सभी हाथी पर उड़कर पृथ्वी की ओर जा रहे थे, तभी अचानक जंगल में रहने वाला एक राक्षस उन्हें देख लेता है। अरे वाह, ये तो उड़ने वाला एक जादुई हाथी है, मुझे ये हाथी चाहिए। उसके बाद इस हाथी पर सवार होकर हर रोज मैं मजे से लोगों का शिकार करूंगा। इतना कहकर राक्षस एक बड़ी रस्सी आसमान की ओर फेंक देता है। फिर वह रस्सी सीधा जाकर हाथी की पूंछ को पकड़ लेती है। उसके बाद राक्षस पूरी ताकत लगाकर हाथी को जंगल की ओर खींचने लगता है। अरे ये क्या, ये तो एक राक्षस है, ये हमारे हाथी को जंगल की ओर खींच रहा है। अगर इसने हमें पकड़ लिया तो ये हमें मार के खा जाएगा, जल्दी से कुछ करिए। चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अभी इस राक्षस को सबक सिखाता हूँ। उसके बाद रामू थैले से जादुई मिट्टी निकालकर उससे एक बंदूक बना लेता है। फिर वह बंदूक असली बंदूक में बदल जाती है। रामू राक्षस के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देता है। अरे मर गया रे, ये आदमी तो मेरे ऊपर गोली चला रहा है, अरे कोई बचाओ मुझे। छोड़ दे मेरे हाथी को, वरना मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। ठीक है भाई, मैं तुम्हारे हाथी को छोड़ रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। इस तरह घबराकर राक्षस वहाँ से भागने लगता है। राक्षस को डरकर भागते देख रामू और उसके बीवी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं।